हेलो स्टूडेंट, एचबीएन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ मतलब किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ साइंटिस्ट था एक, उसने इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए अपने दो नियम बताए। जो नियम है किरचॉफ के वो करंट कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आधारित नियम है। जो किरचॉफ के लॉ है वो करंट कंजर्वेशन पे आधारित है, मतलब धारा संरक्षण, और एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण, इन दोनों के ऊपर आधारित है। अब है क्या ये दोनों नियम, तो वो देखते हैं। तो अपना फर्स्ट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है उसी को करंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है, करंट लॉ के नाम से। अब नियम क्या है अपना ये कि किरचॉफ का जो पहला नियम है या किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो क्या कहता है। तो किरचॉफ का जो करंट लॉ है वह है, यह कहता है कि किसी भी संधि बिंदु के ऊपर धाराओं का कुल बीजीय योग होगा वो शून्य होता है। मतलब संधि बिंदु जहाँ पे दो या दो से अधिक शाखाएं अगर मिलती है वो अपना संधि बिंदु कहलाता है। तो किसी भी संधि बिंदु के ऊपर देखें दो या दो से अधिक अगर धाराएं आ रही है तो उन सभी धाराओं का जो बीजीय योग है वो शून्य होगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में कोई चार या पांच चालक है, तो कुछ इस प्रकार से दर्शा दूं मैं, ये मेरे पास में अलग अलग चालक है जो कि किसी एक संधि बिंदु के ऊपर आकर मिल रहे हैं, तो ये अपना संधि बिंदु हो गया। ओ पॉइंट नाम दे दूं मैं, संधि बिंदु ये। तो इन चालकों के अंदर धारा है वो किन्हीं चालक के अंदर तो धारा आ रही है और किसी चालक से धारा जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये आई वन करंट है जो कि आ रही है, आई टू करंट है, आई थ्री करंट कुछ इस प्रकार से है, आई फोर करंट और आई फाइव करंट। तो किरचॉफ का नियम यह कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट या संधि बिंदु के ऊपर धाराओं का कुल बीजीय योग क्या होगा, शून्य। तो धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य, मतलब अपन मैथमेटिकल रूप में इस नियम को शो कर सकते हैं कि समेशन आई इक्वल टू जीरो, धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य। अब धारा है तो डायग्राम के अंदर अपन देखें तो धारा है आई वन आई टू, ये संधि बिंदु की तरफ आती हुई धाराएं हैं, जबकि आई थ्री आई फोर आई फाइव इन धाराओं को अपन देखें तो ये संधि बिंदु से बाहर की तरफ जा रही है। तो इनमें से अपन करेंगे क्या, जो इनकमिंग करंट मतलब संधि बिंदु की तरफ आने वाली जो धारा है उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है, और जो आउटगोइंग करंट मतलब संधि बिंदु से बाहर की तरफ जाने वाली जो धारा है उस धारा को अपन नेगेटिव के रूप में दर्शाएंगे। तो संधि बिंदु की तरफ आने वाली धारा पॉजिटिव और संधि बिंदु से बाहर की तरफ जाने वाली धारा होगी वो नेगेटिव होगी। तो इस आधार पे अपन जो अपना डायग्राम है या जो पांच चालक लिए अपन ने उस चालक के अंदर देखें तो आई वन और आई टू ये दोनों करंट तो कैसी है, इनकमिंग करंट मतलब संधि बिंदु की तरफ आने वाली धाराएं, और जो बाकी की करंट है आई थ्री आई फोर और आई फाइव ये क्या है, आउटगोइंग करंट मतलब संधि बिंदु से बाहर की तरफ जाने वाली धारा। तो इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानना है तो अपन क्या लिखेंगे, समेशन आई धाराओं का कुल बीजीय योग करना है, तो इसका मतलब आई वन और आई टू दोनों धाराएं पॉजिटिव होगी तो आई वन प्लस आई टू। फिर क्या करना है, सभी का बीजीय योग, समेशन मतलब योग करना है, तो प्लस आई थ्री आई फोर आई फाइव तीनों ही क्या है, बाहर की तरफ जाने वाली धाराएं हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा माइनस आई थ्री नेगेटिव है प्लस माइनस आई फोर प्लस माइनस आई फाइव, और सबका बीजीय योग क्या होगा, जीरो होगा। तो कुल मिला के अपने पास में इक्वेशन बन गई आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो। इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव। तो यहाँ पे अपन देखें आई वन प्लस आई टू संधि की तरफ आने वाली धारा, और आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव संधि से बाहर की तरफ जाने वाली कुल धारा।
तो जो अपना क्या है कि कुल धारा का धाराओं का बीज है वो क्या होगा, शून्य होगा। इसी नियम को अपन दूसरे तरीके से बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल योग संधि से बाहर जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होगा। तो यही अपना किरचॉफ का फर्स्ट नियम या करंट लॉ। अब जो किरचॉफ का ये वाला नियम है वो है चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो जो आवेश संरक्षण है तो आवेश संरक्षण पे किस प्रकार से आधारित है, तो अपन देखें कि अगर इन चालकों में कोई स्थायी धारा स्टेबल करंट है वो फ्लो हो रही है, तो उस स्थिति में आने वाली धारा मतलब आने वाला कुल आवेश वो क्या होगा, बाहर जाने वाली कुल धारा मतलब बाहर निकलने वाले कुल आवेश के बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपना पॉइंट है, ओ बिंदु है, या जो निर्देश बिंदु है या संधि बिंदु है, इस संधि बिंदु के ऊपर कोई भी धारा है वो या कोई भी आवेश वो रुक नहीं रहा, मतलब जितना आवेश आया उतना आवेश चला गया। तो आने से पहले कुल आवेश जीरो था और धारा गुजरने के बाद में भी कुल आवेश क्या है, जीरो। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपना किरचॉफ का पहला नियम या जो करंट लॉ है वो क्या है, चार्ज कंजर्वेशन के ऊपर आधारित है, कि आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो ये हो गया अपना किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब ऐसे ही किरचॉफ का सेकंड लॉ, तो किरचॉफ सेकंड लॉ की बात करें अपन, तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो है किरचॉफ सेकंड लॉ। इसी को अपन वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, मतलब वोल्टा का नियम, वोल्टेज लॉ। तो पहला नियम था वो धारा के ऊपर आधारित था, जो सेकंड नियम है वो वोल्टेज के ऊपर आधारित है। अब ये नियम है क्या कि किरचॉफ का जो सेकंड नियम है या वोल्टेज लॉ उसको अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें, तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत परिपथ में बंद पास में धारा की निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का बीजीय योग होगा वो शून्य होता है। करंट लॉ में क्या कह रहे थे कि धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य होता है, यहाँ क्या होगा, वोल्टाओं का कुल बीजीय योग होगा वो शून्य होगा। तो किसी भी बंद पास में या बंद लूप में, लूप मतलब धारा का एक बंद पथ होना चाहिए, उसमें किसी निश्चित दिशा में चलते जाएं या धारा की निश्चित दिशा में चलते जाएं तो वोल्टाओं का कुल बीजीय योग है वो शून्य होना चाहिए। तो इसको मैं दर्शा सकता हूँ समेशन ई इक्वल टू जीरो। ई है अपना विद्युत वाहक बल कह सकते हैं, वोल्टा कह सकते हैं कि वोल्टाओं का बीजीय योग होगा वो शून्य होगा। अब इसके अंदर अपन करेंगे क्या, अपने को साइन कन्वेंशन देखने हैं कि अपन वोल्टेज या करंट को पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे। तो सिंपल सा है कि धारा की अगर डायरेक्शन में अपन चलते जाएंगे, मान लेता हूँ कि मैं धारा की डायरेक्शन ये है, कोई नेटवर्क है, नेटवर्क में धारा की डायरेक्शन ये है, तो अगर इस दिशा में मैं चलता हुआ जाऊँगा तो इस दिशा में जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टा पतन है, उसको पॉजिटिव मानेंगे। अगर इसके विपरीत जा रहे हैं तो विपरीत दिशा के लिए अपन क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। तो धारा की डायरेक्शन के आधार पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अपन एक सिंपल सा सर्किट बनाए, दो रेजिस्टेंस ले लेता हूं मैं, R1 और R2। सर्किट बनाना है तो एक वोल्टेज, एक सोर्स जोड़ देता हूं मैं और एक सोर्स इधर लगा देते हैं। ये E1 वोल्टेज सोर्स और ये E2 वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस है R1 और R2। इस R1 रेजिस्टेंस के ऊपर जो करंट बहेगी उस करंट के कारण से जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है V1। इस R2 रेजिस्टेंस के ऊपर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट के कारण से जो वोल्टेज है वो है V2। इसके अलावा करंट है तो करंट की डायरेक्शन, तो मैं इस लूप के अंदर, लूप मतलब क्लोज पाथ है करंट का, तो इस लूप के अंदर धारा की डायरेक्शन ये वाली मान लेता हूँ, करंट की डायरेक्शन हो गई ये वाली। तो अपने किरचॉफ के सेकंड नियम के आधार पर देखें कि धारा की निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टाओं का कुल बीजीय योग है वो शून्य होना चाहिए। तो किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो लेते हैं अपन, मान लेते हैं अपना ये पहला पॉइंट है या इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इस पॉइंट से आगे चलें तो इस दिशा में चलने पर यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V1। धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए V1 को अपन मानेंगे पॉजिटिव, प्लस R2, तो R2 के अंदर क्या है वोल्टेज ड्रॉप, V2, और धारा की दिशा में चल रहे हैं इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो V1 प्लस V2। फिर आगे आ रहा है अपने पास में बैटरी लगी हुई है, सोर्स लगा हुआ है, तो इसकी वोल्टेज कितनी है, E2। अब ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो इसके अंदर धारा देंगे प्लस से माइनस की तरफ बहेगी, तो प्लस से माइनस की तरफ मतलब इसी दिशा में धारा होगी, अपन भी इसी दिशा में जा रहे हैं तो इसलिए इसको अपन ले लेंगे प्लस का E2। आगे चले अपन तो सर्किट में या नेटवर्क में आगे चलते हुए जाए तो यहाँ पे E1,
इस E1 के कारण से देखें तो इस सोर्स के कारण से करंट होगी इस डायरेक्शन में, लेकिन अपन ने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो ये वाली मानी है, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन मानी है। अपनी मानी हुई करंट इस डायरेक्शन में, जबकि इस E1 सोर्स के कारण से करंट होगी वो ऊपर से नीचे या प्लस से माइनस की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन आ गई। तो जो अपना नियम है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको अपन नेगेटिव दर्शा देंगे, तो माइनस का E1, तो कुल बीजे योग सभी का योग क्या होगा, जीरो होगा। तो V1 प्लस V2 प्लस E2 माइनस E1 इक्वल टू जीरो, तो इसी को अपन दर्शा सकते हैं V1 प्लस V2 इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये हो गया अपना किरचॉफ का सेकंड नियम या वोल्टेज लॉ। इसी को मैं कह सकता हूँ समेशन वी इक्वल टू समेशन ई। समेशन वी का मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे समेशन वी के द्वारा। समेशन ई का मतलब कि नेटवर्क या सर्किट के अंदर अपने टोटल कितना वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो कुल वोल्टेज सोर्स है तो E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2, वो इनकी डायरेक्शन के आधार पे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो उसके आधार पे अपन लिख सकते हैं समेशन ई। तो समेशन वी इक्वल टू समेशन ई। तो ये हो गया अपना किरचॉफ का सेकेंड नियम या किरचॉफ का वोल्टेज लो। अब किरचॉफ का जो ये वोल्टेज लो है वो है एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आधारित। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आधारित है। तो एनर्जी कंजर्व कैसे हो रही है यहाँ पे, तो अपन देख सकते हैं समेशन ई मतलब सोर्स के द्वारा दिया गया कुल वोल्टेज, जो कि किसके बराबर है, समेशन वी। समेशन वी क्या है कि जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन रेजिस्टेंस के ऊपर जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उन वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर। तो एक तरीके से अपन ने जितनी एनर्जी, मतलब सोर्स ने जितनी एनर्जी दी है, ड्रॉप भी क्या हुआ है, उतना ही हुआ है। तो दी गई एनर्जी और काम में ली गई एनर्जी दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो किरचॉफ का सेकंड नियम या जो वोल्टेज लो है वो क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर आधारित होता है। तो ये हो गया अपना किरचॉफ का सेकंड लो। अब अपने को ये देखना है कि ये जो दोनों नियम है उन दोनों नियमों का उपयोग क्या होगा। तो अपना जो चैप्टर था वो था सर्किट एनालिसिस, तो अपन इन किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करेंगे सर्किट एनालिसिस करने के अंदर ही। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस विद हेल्प ऑफ सर्किट एनालिसिस विद हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के नियमों की सहायता से सर्किट एनालिसिस परिपथ का विश्लेषण करना है। तो किरचॉफ के दो नियम है तो सर्किट एनालिसिस भी अपन दो प्रकार से करेंगे। जो पहला तरीका है वो है नोड या जंक्शन एनालिसिस, नोड या जंक्शन एनालिसिस। तो जो नोड या जंक्शन एनालिसिस है, तो जो किरचॉफ का पहला नियम है करंट लो, किरचॉफ का पहला जो करंट लो है उसके ऊपर आधारित होगा। अब इसके अंदर सर्किट एनालिसिस करना है तो सर्किट का क्या एनालिसिस करें, तो सर्किट के अंदर अपन या तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं या वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब सर्किट के किस एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी वोल्टेज अप्लाई हो रही है, वो चीज़ अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर जो किरचॉफ का करंट लो है उसकी सहायता से जब अपन सर्किट ये नोड या जंक्शन का एनालिसिस करें जो मेथड है, तो अगर अपने को संधि बिंदुओं के मध्य वोल्टेज कैलकुलेट करना अपना मेन मकसद है तो अपन इस वाले मेथड का प्रयोग करेंगे। साथ में ही इस वाले मेथड के अंदर जो मेन चीज़ है अपनी कि अपने को इम्पीडेंस, जो प्रतिबाधा है, इस प्रतिबाधा की जगह अपन यूज में लेंगे एडमिटेंस। इम्पीडेंस की जगह अपन यूज क्या किसका करेंगे, एडमिटेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब प्रतिबाधा की जगह परिवेश्यता का प्रयोग करेंगे। रिलेशन क्या होगा इनके मध्य, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को अपन जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रतिबाधा को अपन ये परिवेश्यता को अपन वाई, एडमिटेंस को वाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों में रिलेशन होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी, मतलब अपन लिख सकते हैं जेड इक्वल टू वन अपॉन वाई। तो एक तरीके से अपना ओम का नियम, ओम का नियम क्या है अपना, ओम्स लो, ओम्स लो को अपन लिखते हैं वी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे करंट की बात करें, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आर प्रतिरोध होगी या प्रतिबाधा के रूप में लिख सकते हैं, प्रतिबाधा के रूप में इम्पीडेंस के रूप में लिखेंगे अपन तो होगा वी अपॉन जेड। इसी को अगर परिवेश्यता एडमिटेंस के रूप में लिखना चाहें तो अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई इक्वल टू वी,
जेड, जेड को अपन लिख सकते हैं वन अपॉन वाई, तो जेड को वन अपॉन वाई लिखेंगे तो आई इक्वल टू वी वाई। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो करंट होगी वो वी इंटू वाई, वी वोल्टेज हो जाएगी और वाई होगा एडमिटेंस होगी, प्रवेशता होगी। तो अपन इस वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा जो अपना नोड एनालिसिस है इसके अंदर अपन एक रेफरेंस पॉइंट और लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट का यूज और करेंगे। अब रेफरेंस पॉइंट के रूप में या तो अपन क्या करेंगे, कोई सर्किट के अंदर ग्राउंडेड पॉइंट होगा, भू संपर्कित बिंदु, उस भू संपर्कित बिंदु को अपन क्या मान लेंगे, रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज में लेंगे। और अगर वो पॉइंट ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड होने का मतलब उस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ग्राउंडेड पॉइंट के ऊपर या रेफरेंस पॉइंट के ऊपर अपनी जो वोल्टेज है वो जीरो होगी। तो इस नोड या जंक्शन एनालिसिस में अपन क्या करेंगे, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ करंट लॉ का यूज करेंगे। इसके अलावा इंपीडेंस की जगह एडमिटेंस का प्रयोग करेंगे, मतलब जेड की जगह वन अपॉन वाई का यूज करेंगे। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ओम्स लॉ आई इक्वल टू वी इंटू वाई के रूप में लिखा हुआ जाएगा, और साथ में एक रेफरेंस पॉइंट या ग्राउंड पॉइंट का यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक सर्किट ले लेते हैं और सर्किट में ये नोड एनालिसिस अप्लाई करके अपन देखते हैं। तो सर्किट के अंदर नोड एनालिसिस का यूज करें तो इसके लिए मैं एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं। एक सोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो ये मेरे पर मैंने एक सिंपल सा एक सर्किट बनाया जो नेटवर्क के रूप में भी हो सकता है। तो सोर्स अप्लाई कर दिया, प्लस और माइनस अपन यूज में ले रहे हैं, एडमिटेंस की जगह ये इंपीडेंस की जगह एडमिटेंस यूज करनी है। तो उसके लिए वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर और वाई फाइव, जो इंपीडेंस थी उसकी जगह एडमिटेंस का यूज किया है अपन ने। अब यहाँ पे करंट की बात करें या जंक्शन की बात करें तो जंक्शन पॉइंट दो या दो से अधिक जहाँ पे शाखाएं अगर मिल रही है तो एक शाखा तो ये वाली है तो ए नाम दे देता हूँ, एक ये वाली शाखा है बी पॉइंट कह देते हैं अपन नोड को। इसके अलावा एक रेफरेंस पॉइंट लेना है या ग्राउंडेड पॉइंट लेना है तो रेफरेंस या ग्राउंडेड पॉइंट के लिए ये मान लेता हूँ कि ओ बिंदु है जिसको अपन ग्राउंडेड मान लेते हैं, ताकि इस ग्राउंडेड पॉइंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। इसके अलावा जो अपने पास में बैटरी है या वोल्टेज अप्लाई की है तो वहाँ पे वोल्टेज ई ले लेते हैं। ए पॉइंट है तो ए पॉइंट के ऊपर वोल्टेज ई ए मान लेता हूँ, बी पॉइंट है उस पर वोल्टेज ई बी के रूप में ले लेते हैं। इसके अलावा सर्किट में वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एडमिटेंस का यूज कर रहे हैं तो करंट भी फ्लो होगी, तो करंट को अपन ले लेते हैं कि जो वाई वन एडमिटेंस है उसमें करंट फ्लो हो रही है आई वन, वाई टू एडमिटेंस के ऊपर करंट फ्लो हो रही है आई टू, Y3 एडमिटेंस के ऊपर करंट है I3, ऐसे ही Y4 एडमिटेंस के ऊपर करंट है I4 और Y5 के ऊपर है करंट I5। तो अपने सर्किट के अंदर अपन ने ये करंट मान लिए, करंट की डायरेक्शन शो कर दिए कि किस दिशा में कौन सी करंट है। इसके अलावा A और B पॉइंट अपने नोड पॉइंट हो गए हैं, जंक्शन पॉइंट हो गए हैं, O अपना रेफरेंस पॉइंट, O हो चुका है रेफरेंस पॉइंट, जो अपनी सुविधा के लिए अपन ने क्या किया, ग्राउंडेड माना है ताकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब अपने को इसके अंदर अपन देखें तो इसके अंदर अपने को किरचॉफ का जो पहला नियम है धाराओं के योग, धाराओं का कुल बीजीय क्या होगा, शून्य होगा, कहाँ पे, जंक्शन पॉइंट के ऊपर। तो जंक्शन पॉइंट ए है और बी है तो इन ए और बी पॉइंट के ऊपर अपने को क्या करना है, धाराओं का बीजीय योग को जीरो करना है। तो अपन करें बाय यूजिंग किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एट पॉइंट ए, ए पॉइंट के ऊपर अपन देखें तो ए पॉइंट पे आने वाली धाराओं का कुल योग जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होगा। तो ए पॉइंट पे इनकमिंग करंट जिसको अपन पॉजिटिव के रूप में लिखेंगे, तो ए पॉइंट के ऊपर देखें तो इनकमिंग करंट क्या है आई वन, तो धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य आई वन। फिर ए पॉइंट के ऊपर ही देखें I2 करंट है तो ए पॉइंट पे I2 करंट बाहर की तरफ चली गई और I3 करंट इस तरफ मतलब बाहर की तरफ चली गई, तो अपन इसको कह सकते हैं I1 माइनस I2, I2 बाहर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव, I3 भी बाहर की तरफ जा रही है तो नेगेटिव,
तो I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू जीरो, जो किरचॉफ का अपना पहला नियम है। तो A पॉइंट जो संधि बिंदु है A पॉइंट, उसके ऊपर अपन ने किरचॉफ का फर्स्ट नियम अप्लाई किया है कि आने वाली धाराओं को पॉजिटिव दर्शा दिया, जाने वाली धाराओं को नेगेटिव दर्शा दिया, धाराओं का कुल बीजीय योग क्या हो गया, जीरो। अब इन करंट की वैल्यू क्या होगी, तो जो ओम्स लॉ है I इक्वल टू वी अपॉन आर, जिसको अपन अभी मैंने बताया था I इक्वल टू वी अपॉन आर, और एडमिटेंस के रूप में लिखेंगे तो I इक्वल टू वी वाई, इस फॉर्म के अंदर अपने वो लिखना है। तो I1, I2, I3 इनकी अगर वैल्यू अप्लाई करें अपन, तो I1 करंट, तो I1 करंट V इंटू वाई वोल्टेज, तो यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे I1 के लिए वोल्टेज की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ E माइनस ई ए। कैसे लिखा अपन ने, I1 करंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा E, और यहाँ पे वोल्टेज अपन ने मानी है ई ए, तो ई माइनस ई ए ये हो गया अपना वोल्टेज ड्रॉप। तो इस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू इंटू क्या है, एडमिटेंस, तो यहाँ पे एडमिटेंस कितनी है वाई वन, तो ये हो गया ई माइनस ई ए इंटू वाई वन माइनस आई टू। आई टू करंट कहाँ है, वाई टू एडमिटेंस के ऊपर है, तो यहाँ पे अपन देखें कि वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, तो इस Y2 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो वो होगा EA माइनस EB, EA माइनस EB इनटू एडमिटेंस जो कि अपनी क्या है Y2 माइनस I3। तो I3 करंट के लिए देखें, तो I3 करंट के लिए वोल्टेज ड्रॉप, तो यहां पे इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज है EA, और इस वाले पॉइंट पे वोल्टेज, ये वाला पॉइंट क्या अपना रेफरेंस पॉइंट है ओ, जिसको अपन ने ग्राउंडेड लिया है, और ग्राउंडेड के ऊपर जो वोल्टेज क्या मानी है अपन ने, जीरो मानी है। तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज ड्रॉप ई ए माइनस जीरो इंटू एडमिटेंस, तो एडमिटेंस क्या है वाई थ्री, तो ये हो गई आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यू, और टोटल क्या होगा जीरो, की धारा का कुल बीजीय योग होगा वो शून्य होगा। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करके वैल्यू सोल्व कर लेते हैं, तो ई वाई वन माइनस ई ए वाई वन माइनस ई ए वाई टू प्लस ई बी वाई टू माइनस ई ए वाई थ्री इक्वल टू जीरो। तो अपन देखें ई ए ई ए ई ए ये कॉमन ले ले तीनों से, माइनस का अगर ई ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री, इसके अलावा प्लस का ई बी वाई टू और प्लस ई वाई वन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव कॉमन लेकर पक्षांतर करवा दें अपन, तो ये इक्वेशन बनेगी ई ए वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस ई बी वाई टू और इक्वल टू ई वाई वन। तो ये बन चुकी है अपनी इक्वेशन नंबर वन, ई ए इंटू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस ई बी इंटू वाई टू इक्वल टू ई वाई वन, इक्वेशन नंबर वन, जो कि अपन ने क्या किया है ए पॉइंट के ऊपर किरचॉफ का जो पहला नियम है करंट लॉ उसको अप्लाई करते हुए इक्वेशन अपन ने कैलकुलेट कर ली है। अब सेम टू सेम ऐसे अपने को क्या करना है, जो बी पॉइंट है इस बी पॉइंट के ऊपर भी अपने को किरचॉफ का पहला नियम अप्लाई करना है, और अप्लाई करके सेम यही इक्वेशन निकालेंगे। तो अगर बी पॉइंट के ऊपर किरचॉफ का यही नियम अप्लाई करूँ, तो B पॉइंट के लिए देखें अपन कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे एट पॉइंट B, तो B पॉइंट के ऊपर धाराओं का कुल बीजीय योग शून्य करना है। तो B पॉइंट पे इनकमिंग करंट, तो B पॉइंट पे आने वाली धारा कौन सी है I2, फिर B पॉइंट से जाने वाली धाराएं, एक तो I4 बाहर जा रही है और एक I5 बाहर जा रही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं I2 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो, इनकी वैल्यू रखें सेम जो अभी अपन ने पीछे यूज किया था। तो I2 करंट होगी Y2 के ऊपर है, तो Y2 पे वोल्टेज ड्रॉप क्या है EA माइनस EB, EA माइनस EB इनटू Y2, एडमिटेंस की वैल्यू रख दी, माइनस I4, तो I4 के लिए देखें B पॉइंट, तो B पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितनी है EB, इसका जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, तो ये पॉइंट क्या है O पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये भी ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे वोल्टेज है जीरो, तो अपन लिख सकते हैं इसको ई बी माइनस जीरो इंटू वाई फोर करंट माइनस आई फाइव, तो आई फाइव की वैल्यू आई फाइव वाई, जो वाई फाइव एडमिटेंस है, तो यहाँ पे अपन देखें ई बी, बी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज,
और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो वही ग्राउंडेड से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे वोल्टेज हो जाएगी जीरो। तो ई बी माइनस जीरो इंटू एडमिटेंस की वैल्यू वाई फाइव, और कुल ये हो गया होगा जीरो। इक्वेशन को सॉल्व करें तो ई ए वाई टू माइनस ई बी वाई टू माइनस ई बी वाई फोर और माइनस ई बी वाई फाइव इक्वल टू जीरो। तो इन तीनों से ई बी कॉमन लेकर लिख दें तो ये तो हो गया ई ए वाई टू माइनस, अगर ई बी कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो गया वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर टू। तो ये अपने पास में दो इक्वेशन आ चुके हैं किरचॉफ के जो पहला नियम या करंट लॉ है उसका यूज करते हुए, पहली इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये। और यहाँ पे अपने को कैलकुलेट भी क्या करना था, ए और बी पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे अपने पास में दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में दो अननोन क्वांटिटी है, और दो अननोन क्वांटिटी कौन कौन सी, एक तो ई ए और एक ई बी, मतलब ए पॉइंट पे वोल्टेज और बी पॉइंट पे वोल्टेज, जो कि अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अपन इन दोनों इक्वेशन की सहायता से या इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आसानी से ई ए और ई बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास में तीन नोड पॉइंट थे ए बी और ओ, तो इनके लिए नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी आई है, दो। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ नोड पॉइंट कितने हैं एन, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होगी, वो होगी एन माइनस वन। कि अगर मेरे पास में सर्किट के अंदर या नेटवर्क के अंदर एन नोड पॉइंट है या एन जंक्शन पॉइंट है, तो उस स्थिति में नंबर ऑफ इक्वेशन की क्या होगी, एन माइनस वन होगी। यहाँ पे अपन देख चुके हैं कि तीन नोड पॉइंट है, तो तीन नोड पॉइंट के लिए दो इक्वेशन हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।